हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृषि प्रोड्यूसर, आप लोगों का स्वागत है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में अनेबल बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस मत करो, ऑल जो ऑप्शन होता है उसको भी अनेबल कर दो, जिसमें हमारा हर वीडियो का सजेशन और आपको अपडेट आपको पहले ही पता चले। और बिल्कुल मत मिस कीजिए ये हर एक ऑफर और हर एक ट्रिक्स, सब्सक्राइब करके रखिए, जो लेटेस्ट आपको अपडेट आएगा आपके सामने सबसे पहले चला जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो देखो और एंजॉय करो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ट्रिक शेयर करूंगा जिसमें आपको अमेजोन का गिफ्ट कार्ड परचेस करोगे तो आपको वहां पर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। पेटीएम, हर पेटीएम नंबर आपको 2 रुपीज करके मैक्सिमम मिल ही जाएगा। उसका अनलिमिटेड ट्रिक बताऊंगा, इतना अच्छा एक अनलिमिटेड ट्रिक बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा इस ट्रिक को जान के। और अभी आप लाइक कर दीजिए एक और कॉमेंट भी कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोगों को पता चले ये ऑफर आया है, ये ट्रिक आया है और रीगल सपोर्ट बोल रहे कोई चैनल अभी है। और अभी एक लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका हर कॉमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप एक कॉमेंट कीजिएगा तो मैं सीरियसली बहुत ही मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मुझे नेक्स्ट वीडियो करने के लिए बहुत ही अच्छा सा एक बेटर फीलिंग मिलता है। तो यही बात है, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पहला जो ऑफर आ रहा है और गिफ्टर की तरफ से, आपको गिफ्टर में एक वेबसाइट है, आपको पता होना चाहिए, गिफ्टर बोल के जो GYFTR है इसका वेबसाइट का नाम। तो जो भी है हमको क्या करना है, आपको Amazon परचेस करना है, Amazon गिफ्ट कार्ड परचेस करना है, आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, वहां पर एक लिंक दे दूंगा, लिंक में क्लिक कीजिए। लिंक में क्लिक करने के बाद आपको गिफ्टर का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा नीचे आपको एक फोन का ऑप्शन और नीचे आपको Amazon गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन एक साथ नजर आएगा, तो वही है Amazon का ई गिफ्ट कार्ड। तो सिंपली थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आपको मिल जाएगा Amazon ई गिफ्ट कार्ड। तो उसमें आपको एड टू कार्ट पे क्लिक करो, एड टू कार्ट में जब भी क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारा परचेस ऑप्शन आ जाएगा, जैसे 500, 1000, 1500, 2000, ऐसा आपको गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। तो आपको 500 का ले लेना है, तो 500 का साइड में आपको प्लस का आइकॉन आता है, तो प्लस का आइकॉन में क्लिक कीजिए। प्लस का आइकॉन में जब भी क्लिक करेंगे आपके कार्ट में वो एड हो जाएगा। सिंपली आपको चेकआउट क्लिक करना है, चेकआउट या एड टू कार्ट मतलब देख सकते हैं कार्ड में, तो गो टू कार्ट भी कर सकते हैं, तो कार्ड में जा सकते हैं, कार्ड में जाकर देख सकते हैं आपको 500 रुपीज का ई गिफ्ट कार्ड आपके कार्ड में एड हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको चेकआउट करना है, चेकआउट का मतलब है आप इसको परचेस करना है। तो सिंपली आपको चेकआउट में क्लिक करो, चेकआउट में क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा आपके अकाउंट एक बनाने के लिए। तो मैं सिंपली आपको रिकमेंड करूंगा, आप पहले गिफ्ट कार्ड का यूज करते हो उसमें आपको कुछ पॉइंट नहीं पड़ा हुआ है तो एक नया अकाउंट बना लीजिए, आपको 25 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको 500 रुपीज का गिफ्ट कार्ड मिलेगा जस्ट 475 रुपीज में। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए क्रिएट न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। तो चेकआउट करने के बाद आपके पास आपका नंबर हो जाएगा, तो नंबर सिंपली दे दीजिए, ऊपर आपको ऑप्शन आएगा आपका नेम देने के लिए, तो नेम सिंपली दे दीजिए, नेम और पासवर्ड मांगता है तो दे दीजिए, इसे सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने बोला जाएगा पिन देने के लिए, तो वो पिन आपको कहां मिलेगा, जो नंबर आपने सबमिट किया उसमें एक ओटीपी के भाया आएगा, क्योंकि वही होगा ओटीपी जो हम नॉर्मली ओटीपी बोलते हैं, गिफ्ट कार्ड वालों उसको बोलता है पिन। तो सिंपली पिन बोल के जो ओटीपी होगा आपके पास आएगा उसको सबमिट करते हैं, तो पिन को सबमिट कर दो, जब भी सबमिट करोगे आपका अकाउंट हो जाएगा रेडी। अभी आपको पेमेंट पेज में लिया जाएगा, पेज अभी जाओगे आपको एक ऑप्शन आएगा गिफ्ट कार्ड पॉइंट, मतलब गिफ्ट कार्ड में से पॉइंट मिलेगा आपको 25 रुपीज पॉइंट मिलेगा, वो आप रिडीम कर सकते हो इंस्टेंटली। आप उसमें टिक मार्क कर देना है, टिक मार्क करने के बाद बाकी जो 475 रुपीज पे करोगे कोई भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर दो, आपको इंस्टेंटली जो 25 रुपीज का डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। मैं वही लोगों को रिकमेंड करूंगा जो लोग Amazon पे बैलेंस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ही अच्छा है ट्रिक्स, जो भी आप लोग कर सकते हो कर लीजिए, पर अकाउंट आपको 25 रुपीज करके डिस्काउंट मिलेगा, जितना भी आप नया अकाउंट बनाओगे उतना आपको 25 रुपीज करके डिस्काउंट मिलेगा, और हर बार आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा तभी आपको 25 रुपीज करके डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग अनलिमिटेड ट्रिक कर सकते हो बट मैं आपको फर्स्टली रिकमेंड यही करूंगा, हर बार करोगे तो न्यू इनकोनेटो टैब में जाकर इसको करो और एरोप्लेन मोड को एक बार ऑन ऑफ करके रखो, क्योंकि ये आपका फर्स्टली जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं इसको करो, नहीं तो बाद में आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे मान लो आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो आपको ईमेल में आपको दिया ही नहीं गया हो, आपके कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तब आप क्या करोगे। तो ऐसा दिक्कत को इग्नोर करने के लिए आपको पहले स्मार्टनेस तरीके से अनलिमिटेड ट्रिक को यूज करना है। तो हर बार आप लिंक को कॉपी करो और जाओ इनकोनेटो टैब में, वहां पर जाकर परचेस करो, नया अकाउंट बनाओ, आपको 25 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप Amazon गिफ्ट कार्ड में जाकर उसको चिपका सकते हो, आपको 5000 रुपीज का मिल जाएगा ओनली 475 रुपीज में। जो ऑफर आ रहा है ये ऑफर नहीं, एक अपडेट है, आपको सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। स्विगी, जो लोग स्विगी यूज करते हैं, जो स्विगी यूजर है,
ये ऑफर उन्हीं के लिए है, जस्ट स्विगी ने एक ऑफर लॉन्च किया है, आपको 12 मंथ और 3 मंथ का प्लान मिलेगा। प्लान मतलब ये नॉर्मल प्लान नहीं है, एक प्राइम प्लान है जो बोला जाता है स्विगी सुपर बोल के। स्विगी सुपर मतलब अमेजोन प्राइम होता है, फ्लिपकार्ट प्लस होता है, ऐसा ही स्विगी सुपर है। तो आपको स्विगी सुपर मिलेगा एक रुपीस में, समझ रहे हो, जस्ट एक रुपीस में मिलेगा। बट ये यहाँ पर गलत बात नहीं है, ये अकाउंट स्पेसिफिक है भाई, सभी लोगों के तो लिए नहीं है, जो लोगों के लिए है वो लोग जाके चेक कर सकते हो आपके लिए है या नहीं है। आपको एक रुपीस में 3 मंथ और आपको 12 मंथ मिल सकता है, ये अकाउंट स्पेसिफिक है। किसी किसी लोगों को 3 मंथ के लिए 1 रुपीस में दिया जा रहा है, किसी किसी लोगों को 12 मंथ के लिए मतलब 1 ईयर के लिए 1 रुपीस में दिया जा रहा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आपका अकाउंट जो है वो वेबसाइट में लॉग इन करके आप चेक कर, आपको 1 रुपीस का जो डील है वो आपको दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है तो अभी परचेस कर लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। सेम टू सेम अमेजोन प्राइम की तरफ है, फ्लिपकार्ट प्लस के लिए है, जो जो यहाँ पर मिलता है वहां पर यहाँ पर भी मिलेगा आपको। ऑलरेडी कुछ ऑफर के बारे में पता चलेगा आपको, एडवांस आपको अलर्ट किया जाएगा, आपको कुछ डिलीवरी चार्ज फ्री करा जाएगा, आपको फर्स्ट डिलीवरी किया जाएगा। तो स्विगी का सुपर प्लान है 1 रुपीस में, वो आप आराम से उठा सकते हो पूरा 1 ईयर के लिए और 3 मंथ के लिए। आपके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर ये दिख रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी जाके इसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये ऑफर दिखने वाला नहीं है। बाय कर लो, तो 1 रुपीस का जो डील है बाय कर लो। और कितने लोगों के अकाउंट में ये शो हुआ और कितने लोग इसको परचेस किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे भी पता चले कितने लोगों को ये ऑफर दिख रहा है। जो ऑफर आ रहे और बहुत ही मस्त ऑफर, बहुत ही मस्त, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे तरफ से बहुत ही मस्त एक ऑफर है। मैं आपको पूरा जानकारी बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा सब कुछ डिटेल्स, और आपको अनलिमिटेड ट्रिक बताऊंगा। अनलिमिटेड ट्रिक समझ रहे हो, जितना पेटीएम अकाउंट है आपके पास, जितना पेटीएम अकाउंट है और जितना बैंक अकाउंट है उतना लूट सकते हो। मान लो आपके पास 4 बैंक अकाउंट है, मेरे पास तो 4-5 ऐसा होगा, तो आपके पास 4 बैंक अकाउंट है, 1 पेटीएम अकाउंट है, वहां पर आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ट्रिक्स है, सिंपल ट्रिक्स अप्लाई करो, आपको जितना बैंक अकाउंट है सभी पे पैसा मिलेगा 1 पेटीएम अकाउंट से। फिर आप दूसरा पेटीएम अकाउंट लॉगिन करो, सेम बैंक अकाउंट को मतलब ट्रिक्स अप्लाई करो, तो आपको कैशबैक मिलेगा। सिंपल बात है, मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपके पास आपको पेटीएम अकाउंट होना चाहिए और पेटीएम ऐप होना चाहिए। पेटीएम ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लो, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में आप अपडेट नहीं करोगे तो ये ऑफर आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर जो आपको एक ट्रिक्स बता दूं, रुको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक्स बता देता हूँ, ट्रिक्स नहीं, आपको कुछ रिकमेंडेशन बता देता हूँ, आपके सजेशन में मैं काम करूंगा। तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं जो नॉर्मल ट्रिक्स इसमें बता रहा हूँ, इसमें आपको हर बार एक एक नया नया पेटीएम अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। और वो लॉगिन क्यों होगा, उसमें ओटीपी चाहिए भाई। आप पेटीएम को अपडेट करोगे लेटेस्ट वर्जन में तो वहां पर आपको ओटीपी लगेगा, हर पेटीएम अकाउंट को लॉगिन करोगे तो पार टाइम आपको ओटीपी लगेगा। मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है, आप विदाउट ओटीपी लॉगिन कर सकते हो और उसमें आप बैठा सकते हो, आपको कोई भी ओटीपी नहीं लगेगा। मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है, आपको कोई भी ओटीपी नहीं लगेगा और ऑफर भी शो होगा। और नॉर्मल जो ट्रिक है उसमें आपको, नॉर्मल मतलब सिंपल जो ट्रिक है, आपको जो ओरिजिनल ट्रिक है आप अप्लाई करोगे, उसमें आपको आपका पेटीएम ऐप अपडेट नहीं है तो आपको दिखाई ही नहीं देगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन ही दिखाई नहीं देगा, करोगे कैसे। मेरे पास एक ट्रिक है, आपको ओटीपी भी मतलब विदाउट ओटीपी लॉगिन हो जाएगा और ऑफर भी नजर आएगा। तो इस वीडियो को चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा ये ट्रिक। ये ट्रिक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी सके ट्रिक शेयर करूंगा, बट इस वीडियो में नहीं शेयर करूंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपका जो पेटीएम है उसको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लो, अपडेट करने के बाद आपका कोई भी अकाउंट, मिनी केवाईसी, फुल केवाईसी, केवाईसी नहीं है तो भी चलेगा, सिंपली आपका अकाउंट वहां पर लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 3 लाइन पे चलो, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा अकाउंट पेमेंट सेटिंग, ऐसा बोलकर कुछ ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है। जब भी इसमें क्लिक करोगे आपके सामने सबसे नीचे बैंक अकाउंट एड और रिफंड ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करो, सिंपली क्लिक करने के बाद आपके सामने पूछा जाएगा आपका बैंक का अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, आपका नेम, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ट्रिक यही है, आप यहाँ पर कुछ बैंक अकाउंट का डिटेल्स डाल दो जो बैंक आपके है, तो आपको सिंपली बैंक अकाउंट नंबर देना है तो बैंक अकाउंट नंबर दे दो, आईएफएससी कोड दे दो, फिर नाम सबमिट करो, नेम सबमिट करने के बाद सबमिट करो, प्रोसीड करो। तो प्रोसीड करो, प्रोसीड करने के बाद आपके सामने रीएंटर करने के लिए बोला जाएगा जो आपका अकाउंट नंबर होगा, तो सिंपली रीएंटर कर दो। रीएंटर करने के बाद सबमिट करो, सबमिट करते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। जब भी लिंक हो जाएगा आप जाके चेक करो, मेरा मैसेज आ चुका है इंस्टेंटली आपको 1.5 रुपीस के ऊपर दिया जाएगा, मतलब 1 रुपीस के ऊपर दिया जाएगा। स्मॉल मतलब ये वेरिफिकेशन मेथड है जिसमें आपको कुछ पैसा दिया जाएगा और इसको हम अनलिमिटेड ट्रिक के रूप से लूटेंगे। तो सिंपली देखो मुझे मिल चुका है कुछ 1 रुपीस के ऊपर, मतलब मैक्सिमम को 2 रुपीस मिलेगा। आप चेक कर सकते हो मैसेज, आपको मैं बैंक अकाउंट में जाकर उस अकाउंट को लॉगिन करके जो बैंक है मेरा उसमें भी आप चेक कर लो। तो सिंपली मैं चलता हूं, मेरा ओरिजिनल जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक नंबर में अभी डाला उसमें कितना बार मैंने किया और कितने रुपीज मैंने लूटा तो दिखा दूं। तो ये देखिए मेरा बैंक अकाउंट में चलता हूं, तो बैंक अकाउंट में जाकर आप देख सकते हो मुझे 3 बार मिला है,
तीन बार मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया आप लोगों को वीडियो देने के लिए, तो मैं तीन बार ही मुझे सफलता के साथ मुझे पूरा पेमेंट मिल चुका है। तो देख सकते हैं आप मुझे एक रुपीज के ऊपर हर टाइम मिला, मतलब दो रुपीज तो आपको मैक्सिमम मिल ही जाएगा, तो मैं नॉर्मली मुझे एक रुपीज 78-90 ऐसा कुछ पैसा मिला। अब तीन बार मुझे देख सकते हो मुझे मिला तीन बार, तो सिंपली यही ट्रिक्स है। आपको सिंपली फिर से आपको जाना है उस पेटीएम अकाउंट पे जिसमें आप अभी अभी ट्रिक्स अप्लाई किए हो, सेम ऑप्शन में जाओ। सेम ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो ऑप्शन में आपको बैंक लिंक करने के लिए बोला गया था उस ऑप्शन में जाओ, जो बैंक लिंक किया उसको डिलीट कर दो। तो डिलीट बैंक अकाउंट में क्लिक करो, सिंपली आपका जो बैंक है वो आपसे वहां पर रिमूव हो जाएगा। अभी आप दूसरा बैंक अकाउंट दो, इसलिए मैं बोल रहा था आपके पास जितना बैंक अकाउंट है आप लूट सकते हो। तो मैं सेकंड बैंक जो अकाउंट है मेरा वो मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो सबमिट कर देता हूँ मेरा एयरटेल बैंक का नंबर, तो मैं एयरटेल बैंक का नंबर दे देता हूँ और आईएफएससी कोड देता हूँ, मेरा नाम दे देता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ। तो रीएंटर करा बोला जाएगा, तो मैं रीएंटर करता हूँ अकाउंट नंबर, फिर सबमिट करता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। इंस्टेंट नहीं मिलता तो 2-3-4 मिनट का अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। तो जब भी आपका बैंक लिंक हो जाएगा इंस्टेंटली आपको पैसा मिल जाएगा। अब मेरा एयरटेल बैंक में जाकर देख सकते हो मुझे जो बैलेंस है वो मुझे सक्सेसफुली मिल चुका है। अभी मैं और एक करके दिखा देता हूं, आपको एक ही नहीं हो रहा है तो मैं सिंपल जाता हूं, मेरा यूटीबी मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नंबर दूंगा। अभी आपको जाना है वही ऑप्शन में, सेम ऑप्शन में, फिर आपका जो बैंक आपने लिंक किया उसको डिलीट करो। डिलीट करने के बाद कोई अलग सा बैंक अकाउंट दे दो, बैंक अकाउंट का नंबर दो, आईएफएससी कोड दो, नेम दो, सबमिट करो, रीएंटर करो, फिर सबमिट कर दो। इंस्टेंटली आपको जो फिर का पैसा है मतलब दूसरा जो पैसा है वो आपको वही बैंक अकाउंट में फिर से मिल जाएगा। तो सेम बैंक अकाउंट में आप बार बार कर सकते हो, बट वो पेटीएम अकाउंट को बदलना होगा। ऐसे करके आपको तीन बार मिल गया, मुझे तो तीन बार मिला। मैं फिर एक बैंक अकाउंट में जितना बैंक अकाउंट में मैंने किया बट उतना मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो ऐसे करके कर सकते हो। आपको अभी क्या करना है, डिलीट बैंक अकाउंट करना है, सब बैंक को आप डिलीट कर दो, सेम पेटीएम अकाउंट से आप बैंक को डिलीट कर दो, फिर आप जाके पेटीएम में एक नया अकाउंट लॉग इन करो। पेटीएम में जाओ, वो अकाउंट को आप लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करने के बाद सिंपली सेम ऑप्शन, लॉग आउट करने के बाद एक नया अकाउंट लॉग इन करो। मिनी केवाईसी है, फुल केवाईसी है, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग इन कर लो, लॉग इन करने के बाद आप सेम ऑप्शन में जाओ, सेम बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब पहले तीन बार किया था तीन बैंक अकाउंट से किया था, अभी इसमें भी वही सेम तीन बैंक अकाउंट से कर सकता हूं। तो आपके पास जितना बैंक अकाउंट है, जितना पेटीएम अकाउंट है, सबसे ये ट्रिक अप्लाई करो, सबको आपको पैसा मिलता जाएगा, हर टाइम आपको पैसा मिलेगा। आपके पास 10 बैंक अकाउंट है, 10 पेटीएम अकाउंट है, तो आपको मिल जाएगा 2 रुपीज करके, मतलब आपको 20-200 ऐसे करके 400 जितना कर सकते हो कर लो। जितना पेटीएम अकाउंट आपके पास है हर से आपको मैक्सिमम 2 रुपीज करके मिल ही जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक पेटीएम अकाउंट है, 4 बैंक है, तो 8 रुपीज मिलेगा। 2 पेटीएम अकाउंट है, 4 बैंक है, तो 16 रुपीज मिलेगा। ऐसे करके जितना पेटीएम अकाउंट है, जितना बैंक अकाउंट है, सेम करके लूटते रहो। ट्रिक सही सिंपल है, आपको अकाउंट लॉगिन करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है। रिफंड के लिए आपको सिंपली जो बैंक बैलेंस है आपको वेरीफाई के लिए दिया जा रहा है वो आपको मिल जाएगा। आप सेम बैंक अकाउंट अलग अलग पेटीएम अकाउंट में ट्राई कर सकते हैं, आपको पैसा जरूर मिल जाएगा। तो कोई पावरफुल वीडियो चाहिए वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो चाहिए या नहीं। वीडियो यही होगा आपका हर पेटीएम अकाउंट जिसमें अभी मैं जो सिंपल ट्रिक बताया वो सिंपल ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको एक भी नहीं कर पाओगे, हर में ओटीपी चला जाएगा भाई। तो ओटीपी तो मुमकिन नहीं है सभी नंबर से ओटीपी लेने का, तो मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है विदाउट ओटीपी लॉगिन होगा और वो ऑफर भी शो होगा। तो भाई ये ट्रिक का वीडियो चाहिए, ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर इस वीडियो के नेक्स्ट में वो वीडियो डाल दूंगा। तो बहुत ही पावरफुल ट्रिक है भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना वीडियो चाहिए या नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, और एक तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही जाइए क्योंकि एक कमेंट मुझे सीरियसली बहुत ही मोटिव करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाला बटन को प्रेस कीजिए जैसे हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पहले चाहें। और आपने गलती से भी हमारे चैनल फर्स्ट टाइम के लिए आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करो तभी बाहर जाओ। बेल को प्रेस करो मत, वहां पर प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन को एनेबल भी कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।